आपको क्या लगा ये चीनी का पराठा बन रहा है? मुझे भी ऐसा लगा, लेकिन ये हरगिज चीनी का पराठा नहीं बन रहा है। मुझे जब घर आया और ऐसे आटे के ऊपर चीनी डलती दिखी तो मैं खुश हो गया। मैंने बोला, आज तो तुम चीनी का पराठा बना रही हो मेरे लिए, लेकिन वो बोली, नहीं नहीं, मैं चीनी का पराठा हरगिज़ नहीं बना रही हूँ। मेरी वाइफ ने एक आटे की पेड़ी ली, उसे बेलने के बाद उस पर चीनी, सौंफ और साथ में कुछ गुड़ डाला। ये सब डालने के बाद वो कुछ ड्राई फ्रूट को कद्दूकश करने लगी। सबसे पहले उसने बादाम कद्दूकश करना शुरू कर दिया। मुझे लगा सचमुच में पराठा ही बन रहा था, लेकिन जब इसने एंड में सारी चीज़ बना के तैयार करी तो मेरे को क्लैरिटी मिली कि ये हरगिज़ भी पराठा नहीं बन रहा है। फिर मैंने मेरी बीवी से कहा कि तुम रोज़ इतनी नई और ख़ास टिप कहाँ से ले आती हो? तो चलिए क्या बन रहा है आइए विस्तार में बताता हूँ, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूं। पिछला थैंक्स जाता है करीना जी को मुंबई से और सुरभि जी को जलंधर से। पहले तो मेरी वाइफ ने इस पे बादाम रगड़ा और उसके बाद काजू रगड़ दिया। मुझे लगा आज ड्राई फ्रूट अच्छे से डलेंगे, लेकिन मेरा सवाल वही था कि अगर ये पराठा नहीं है चीनी का तो बना क्या रही हो? वो बोली, ये जो प्रक्रिया मैं कर रही हूँ इससे इतनी एक स्वाद चीज़ बन के तैयार होती है। ये सारी चीज़ें मैं डालने के बाद इसमें एक चम्मच देसी घी का डालूंगी और इस सारी सामग्री को मिक्स करूंगी। मैंने कहा, ये तो पूरी की पूरी परांठे की स्टफिंग बन रही है, मुझे तो ये परांठा ही लग रहा है। वो बोली, देखो ये परांठा बनाना पड़ता है ताकि हम आगे जो मेन चीज़ बनाना चाहते हैं वो बन सके, लेकिन ये परांठा बिल्कुल भी नहीं मैं बनाऊंगी। इसका एंड रिज़ल्ट परांठा नहीं है, ये सिर्फ मैं पेड़ी को बंद करके इसको सेक लेती हूँ और उसके बाद मेरे को इसको एक अलग तरीके में, अलग चीज़ में इस्तेमाल करना है। ये आपको बिल्कुल भी परांठे की तरह नहीं मिलने वाला। उसने इस पेड़ी को स्टफ़ करने के बाद, बंद करने के बाद इसके ऊपर थोड़ा आटा लगाया, हाथ की मदद से इसको थोड़ा बड़ा किया और उसके बाद हाथ से जैसे ही थोड़ा बड़ा हो जाता है उसके बाद बेलन की मदद से थोड़ा सा और बड़ा कर दिया। अब ये बना क्या दोस्तों? जैसे ही उन्होंने बोला कि ये परांठा नहीं है, मुझे लगा कि ये कोई सेलिब्रेशन के हिसाब की मिठाई बन रही हो सकती है, कोई और चीज़ हो सकती है, लेकिन जब ये बन के तैयार हुई ना तो मुझे इतनी अच्छी चीज़ बनने की उम्मीद नहीं थी। दोस्तों सबसे पहले इसको सेकेंगे हम तवे पे, और तवे पे सेकने के बाद हमने इसको, पहले हम इस पे तवे पे थोड़ा सा बटर डालेंगे। सबसे पहले इसे थोड़ा बड़ा करा, बटर नहीं घी कह सकते हैं हम, घी डाल रहे हैं तो, और इस पे इसे सेकेंगे। मैंने कहा, ये तो तुम बोल रही हो परांठा बन नहीं रहा, लेकिन बन तो ये परांठा ही गया। फिर से वो वही बात दोहराने लगी मेरी वाइफ की, देखो सुनो ये परांठा नहीं बन रहा है, ये सिर्फ मैं इसे सेक रही हूँ क्योंकि आगे की प्रक्रिया में मुझे सेका हुआ यह आटा चाहिए था और ये चीनी और इस सारे ड्राई फ्रूट और सौंफ के मिश्रण के साथ और चाहिए था, इसलिए मैं इसे सेक रही हूँ और इससे इतनी अच्छे से बन के तैयार होता है शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने कहा, आप बताओ करने क्या वाली हो? वो बोली, फटाफट से मैं इसको सेकने के बाद गैस से उतार लेती हूँ और जो सेकूंगी वो प्योर देसी घी में ही सेकूंगी। मैंने कहा, ठीक है प्योर देसी घी में सेक लो, लेकिन अब इसको करेंगे क्या? वो बोली, हम जैसे ही इसको गैस से उतारेंगे इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। मैंने कहा, छोटे छोटे टुकड़े? ये तो पराठा ख़राब हो जाएगा। तो वो बोली, मैंने आपको पहले ही कहा ये पराठा नहीं है, तो मुझे करने तो दो जो मैं कर रही हूँ, मुझे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने दो। उसने क्या करा, इसको सबसे पहले एक प्लेट में निकाला और प्लेट में निकाल के ठंडा होने का इंतज़ार किया और जैसे ही ठंडा हुआ इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। कुछ इस तरीके से आप भी इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। जैसे ही ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे कि ये इतनी आसान होता है आगे की प्रक्रिया को इसके पूरा करना। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद इसको मिक्सी में घुमाइए। मिक्सी में घुमाने के बाद आप देखेंगे इसका कैसे हम बढ़िया चूरा तैयार कर देंगे। एकदम पाउडर से चूरा तैयार करना होगा आपको कुछ इस तरीके का। और उसके बाद एक कढ़ाई ले लीजिए, कढ़ाई के बाद आप ले लीजिए थोड़ा सा घी, घी में डाल दीजिए थोड़ी सूजी लगभग 2 चम्मच के आसपास, सूजी को भून लीजिए। अब दोस्तों ये पराठा इसलिए बनाया गया था वो ताकि वो अच्छे से सिक जाए और जो गुड़ चीनी के साथ मिश्रण है वो बहुत अच्छे से सिकता है, उसका एक अच्छा फ्लेवर आता है और ये एकदम परफेक्ट बन के तैयार होता है। और वो जो सेका हुआ सामग्री थी ना दोस्तों, अब जैसे ही ये जो सूजी आपके सामने भून रही है पूरी की पूरी, इस सूजी को भूनने दीजिए। और उसके बाद हमने साइड में दूध भी रखा है गर्म होने के लिए। और ये जो सूजी भून गई है या फिर भून रही है, जब ये अच्छे से भून जाए, हलवे लायक भून जाए, तो आपको क्या करना है, जो सामग्री हमारी उधर हमने जो पीस के रखी थी ना आटे की, जो पराठा बनाया था चीनी का, उस सामग्री को इसमें डालेंगे। तो दोस्तों उस सामग्री को मैं डाल लेता हूँ और इस सामग्री में अब क्या क्या हो गया, सूजी हो गई, आटा हो गया और सौंफ हो गई, चीनी हो गई
और गुड़ हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, और ये सारा का सारा मिक्सी में घुमा हुआ हो गया, और सबसे बड़ी बात है भुना हुआ हो गया। तो सूजी भी भून ली, तो सारी चीज़ें एक साथ भुनी हुई मिल चुकी हैं। अब साइड में आपने देखा हमने दूध रखा है, अब क्या करेंगे, जब सारा का सारा ये मिश्रण एकदम मिक्स हो जाएगा, भुना चला जाएगा, जैसे ही भुन जाएगा उसके बाद हम इस दूध को इसमें ऐड करेंगे। तो ये मिश्रण एक साथ इकट्ठा हो चुका है, अच्छे से पकड़ बना ली है, तैयार हो चुका है, बढ़िया हो चुका है। तो अब क्या कीजिए, आप इसमें डाल दीजिए दूध कुछ इस तरीके से, और दूध आप जैसे ही डाल दें, दूध डालने के बाद इसको फटाफट घुमाएं। घुमाने से क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे कि ये घुमाने से चिपकता नहीं है। ये लीजिए दूध डाल के फटाफट घुमा लीजिए इसको बिना रुके। थोड़ा सा दूध बचा लिया है, वो हम आगे ऐड करेंगे, और ये जलने मत दीजिए, आँच को सिम रखिए और धीरे धीरे से पका लीजिए। तो दोस्तों ये जो गुड़ था, सौंफ थी, चीनी इसमें ऑलरेडी है, आपको चीनी ज़्यादा पसंद है तो थोड़ी बढ़ा लीजिए, ये सारी चीज़ें इसमें तैयार हो चुकी हैं। और ये इतनी जल्दी, बाकी बचा हुआ दूध भी हम डाल देंगे, और ये बहुत ही बढ़िया सिरा, हलवा और कुछ भी आप इसे कहें, और कुछ लोग इसे गेहूं का हलवा भी कहते हैं, कुछ लोग आटे का हलवा भी कहते हैं, कुछ लोग इसे प्रसादा भी कहते हैं, जो आप इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। इतना अच्छा बढ़िया बनके तैयार होता है, एक बार इसकी फाइनल लुक देखेंगे ना तो आपको मन करेगा बस अभी जाएं और अभी जाके बना लें। और इसमें जो गुड़ का और सौंफ का स्वाद आता है वो तो आपका दिल जीत लेगा। आप चाहें तो इसमें थोड़ी इलायची डाल सकते हैं, मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ, लेकिन फ़ाइनल में ये बहुत ही टेस्टी और अच्छा बनके तैयार होता है। देखिए इतना ज़बरदस्त हलवा आपका बनेगा, और अभी तो ये मिक्स हो रहा है, इसको जब पूरी तरीके से पक जाएगा ना, इतना कड़ा प्रसाद, बहुत बढ़िया प्रसाद बनके तैयार हो जाएगा। मैं तो इसी का प्रसाद का भोग लगाता हूँ, कुछ लोग और घर में ऐसे ही चूरमा भी बनाते हैं, आप चाहें तो उसका परांठा भी खा सकते हैं, लेकिन हमारे घर आज परांठा नहीं बना था इसलिए मैंने बार बार जिक्र करा कि परांठा नहीं बन रहा है। तो मेरी वाइफ को आज बहुत तारीफ़ करी जब ये बन के तैयार हुआ, इतना यम्मी था ना, पता नहीं कहाँ कहाँ से वो इतनी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ ढूंढ के निकालती है, कहाँ कहाँ से वो ले आती है इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें, मैंने सोचा नहीं था, सोच से परे थी ये चीज़ जब बनके तैयार हुई। तो आप देख सकते हैं ये प्लेट में डाल के परोस लिया, और इतना शानदार, इसको आप ड्राई फ्रूट के साथ थोड़ा सा ऊपर गार्निश कर लीजिए, इतना शानदार हलवा बनके तैयार होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। कैसा लग रहा है आपको ये हलवा दोस्तों, कमेंट करके बताइएगा। दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं ये भी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों ये थोड़ा सा ड्राई फ्रूट डाला, थोड़ा सा गार्निशिंग हुई, परफेक्ट बनके ये हो गया अब हमारा हलवा तैयार। अच्छा लगा तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, एक लाइक तो बनता है हमारी मोटिवेशन के लिए, और डिलीशियस फूड को कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से लौट के आऊँगा कुछ नया और तरोताज़ा लेके, तब तक मैं चलता हूँ दोस्तों, ध्यान रखिए अपना।